भाजपा वालों ने कौम पे वोट मांगा है, बीजेपी ने कहीं गोलमाल किया है, ये भगवान जी ने एक गिफ्ट दिया इनको। दिल्ली को तीसरी बार एक फरिश्ता मिला है और इस फरिश्ते को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ काम पे वोट दो। जस्ट न्यूज लाइव से मैं करण सूद, इस वक्त रामलीला मैदान हम आ पहुंचे हैं, जहां पे इस टाइम अगर आप देखें सुने तो आवाज, वैसे तो हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल ही भाषण दे रहे हैं और कुछ समय बाद शपथ लेंगे। इनसे पहले इनके मंत्री शपथ ले चुके हैं और यहाँ लिखा हुआ है दिल दिया है जान भी देंगे केजरीवाल तुम्हारे लिए, दिल तो दिल्ली तो हमारी है, अब और राज्यों की तैयारी है। तो ये पूरी उम्मीद से हैं कि भारत में आम आदमी पार्टी को लाने की इनकी पूरी तैयारी है। सर सबसे पहले आप ही से बात करते हैं, आज़ादी के बाद से आज तक पहला एक दिल्ली का चुनाव अब की बार हुआ है जो कौम के ऊपर चुनाव नहीं हुआ, काम के ऊपर चुनाव हुआ है। इस समय देश के बच्चा बच्चा के मुंह पे केजरीवाल का ही नाम है जी। जैसा हमने दिल्ली में पिछले 10-12 दिनों से देखा है, दिल्ली के अंदर जो है एक पोलराइजेशन की एक पॉलिटिक्स करी गई, बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स करी गई, जिसमें जो है देश के माहौल को खराब करने की कोशिश करी। पहली बार कोई मुख्यमंत्री ऐसा आया है जो तीसरी बार शपथ ली और ये कहा कि मुझे सिर्फ काम पे वोट दो, नहीं तो वोट मत दो। पहला मुख्यमंत्री। शिक्षा में बहुत अच्छा काम हुआ है सर, और स्वास्थ्य में मैंने काम हुआ है, पानी बिजली सब में काम हुआ है, थोड़ी जो कमी है वो पूरा फाइनल हो जाएगा आपकी बार। दिल्ली को तीसरी बार एक फरिश्ता मिला है और इस फरिश्ते को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। अब आगे ये देखते हैं महिलाएं हमारे साथ हैं क्या कहते हैं, क्योंकि इनके लिए तो खास ये है कि अगर ये बस से भी आई है तो फ्री आई है। तो अब देखते हैं अरविंद केजरीवाल ने किया क्या है, बात करते हैं जी। बताएं अरविंद जी ने जो किया है वो वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया है, और हम महिलाएं उनसे इतनी खुश है कि हम बता नहीं कर सकती, बयान नहीं कर सकती कि हम कितने एक्साइटेड हैं। कहां से, हम जिस दिन से अरविंद जी का रिजल्ट हुआ है हम बहुत खुश हैं। और सुनिए अरविंद जी को जो गॉड ने गिफ्ट दिया है वो हम दे, क्या गिफ्ट उनके अंदर जो इतनी ताकत है, शक्ति है बोलने की, जो भी कन्विंस करने की और करने की, ये किसी को नहीं मिला है अरविंद जी को, ये भगवान जी ने ये गिफ्ट दिया इनको। अरविंद केजरीवाल जी ने जो गारंटी कार्ड दिया है इस बार के लिए, क्या लगता है पूरा होगा? हाँ जी पूरा होगा, 100% पूरा होगा। हमारे इधर मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह खुलवा दिए गए, मोहल्ला क्लिनिक 200 यूनिट जो बिजली बिल था वो किसी का बिल हमारे इधर आता ही नहीं है जयपुर में। आज वो संगम बिहार में नाली भी बन रही है, सड़क भी बन रही है और पानी भी हम लोगों को टैंकर द्वारा पहुंचाया जा रहा है। बस फ्री है सबसे बड़ी चीज, जो एजुकेशन लाइफ में हम गरीब लोग मिडिल क्लास फैमिली एफर्ट नहीं करते, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली जो बिल्कुल। क्या लगता है और दिल्ली आगे कितना बढ़ेगी? दिल्ली बहुत आगे बढ़ेगी और केजरीवाल जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ेगी। 8 सीटों का लॉस हुआ है, उसके बारे में सोचें कि हम में क्या कमी रह गई। मैडम 70 आनी चाहिए थी सीटें 70 की 70 आनी, तो क्या कमी रह गई? कमी ये रह गई यहाँ तो बीजेपी ने कहीं गोलमाल किया है, सरकार उनकी, डब्बे जहाँ रखे गए वो जगह उनकी। मैम अगर गोलमाल होता तो 62 में भी होता ना? नहीं, गोलमाल 62 में, जब पिछली बार 67 आई है तो इस बार ही 70 के 70 क्यों नहीं? भाजपा वालों ने कौम पे वोट मांगा है, धर्म के नाम पे गुमराह किया गया पब्लिक को। तो मैम मैं वही पूछ रहा हूँ कि धर्म के नाम पे गुमराह सिर्फ 8 विधानसभा सीटें हुई हैं, बाकी 62 नहीं हुई। ये वो है, नहीं नहीं कहा तो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो नहीं समझ पाए, जिनको बिजली पानी से कोई फर्क नहीं पड़ा, जो हाई क्लास बिजनेसमैन है उनको नहीं समझ आई, लोअर मिडिल क्लास को हर चीज समझ में आ गई थी कि ये कब तक लगता है बिजली कब तक फ्री रहेगी? बिजली फ्री ही अब जो कर 200 यूनिट जो है वो कब तक रहेगा? अब ये 100 के बदले होने जा रहा है, अब अगले महीने से 300 यूनिट होने जाएगा, अब ये 200 की जगह 300 यूनिट होगा। 300 यूनिट होगा, कहाँ से आई ये खबर? नहीं खबर की बात नहीं है, जो हम लोग कह रहे हैं हमारा नेता करेगा तो करेगा। या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि 200 से 300 हो? सर ये सर हम देख रहे हैं ये जो राजनीति करते हैं बीजेपी वाले ऑलमोस्ट धर्म के नाम पर, ये धर्म के नाम पर क्यों लड़ा रहे हैं? ये मेरे भाई हैं, सही बात, ये सब मेरे भाई हैं। बहुत विकास है, सोमनाथ जी ने बहुत काम किया पूरे 5 साल दिन रात अनलिमिटेड और हमेशा। कितने कितने खुश हैं केजरीवाल जी के वापस आने? बहुत खुश हैं जी, बहुत, हम तो जाते देश में आए पर मुझे लग रहा है कि कुछ कमी रह गई है। 62 आई है, 70 आनी चाहिए थी, क्या कहेंगे? 62 भी बहुत आई है, 63 आई है, 63 आई है, अगली बार 70 क्यों नहीं आए? 70 भी आएंगे भाई साहब, बिहार का नंबर है, बिहार में देखिए ना कितनी आती है हमारी। आप
बिहार में आम आदमी पार्टी अब की बारी बिहार की बारी अरविंद केजरीवाल सोमनाथ भारती आप देख लीजिए विकास का मुद्दा है सब दिल्ली के लोग हैं कहेंगे प्रधानमंत्री बनाना है अब यूपी बिहार की बारी है दिल्ली के बाद अब देखते हैं कि बिहार इलेक्शन में होता क्या है मैं करण सू जस्ट न्यूज लाइव